गायत्री जी, मुझे वो आपसे मिलने के बारे में डिस्कस करना है। हमारे यहाँ तो 11 लोग आते हैं, आपके यहाँ से कितने आएंगे? मीरा जी आइए ना, डिस्कस करते। सेतु चल, तू भी चल। मंजीत जी, पलक आई थी हमारे घर पर, डैड ने उससे प्रीनप अग्रीमेंट साइन करवा लिया है। देखिए मंजीत जी, पलक बच्ची है, उसने बिना कुछ सोचे समझे शायद ही डिसीजन ले लिया हो। पलक समझदार है, बड़ी है, अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकती है, उसने सोच समझ के ही किया होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पलक एक समझदार लड़की है, लेकिन आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए। डैड ने इस टाइम क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि आप और आपकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ रिकी के पैसों के पीछे, और इसीलिए रिकी को बचाने के लिए डैड ने ये प्रीनप साइन करवा दिया है। मंजीत जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और फिर रिश्ते तो प्यार और विश्वास की बुनियाद पर बनते हैं, जो रिश्ते शक की बुनियाद पर बने वो रिश्ते टूट जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज एक बार फिर से सोच लें। अच्छे से डालना मिठाइयाँ डब्बे में, मिठाइयाँ टूटी नहीं चाहिए डब्बे में, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो अच्छा ही नहीं। देखिए ये मिठाई टूट भी गई है, आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हैं क्या? प्लीज ध्यान से रखिए, ध्यान से डब्बे। अथिया मेरे नाथ, क्या हो गया मम्मा? इतने अच्छे से पैकिंग कराई है मैंने, अब सही तो किया है सब। छोड़ वो सब, तू ये बता कि वहाँ पर तुझे मैंने अपने घर की इज्जत समेटने के लिए भेजा था और तू साइन करके उनके हाथ में दे आई। क्या मम्मा, क्या जरूरत थी वो एग्रीमेंट पर साइन करने की तुझे? इतनी हाय तौबा मची थी तुझे शादी करने की? उन्होंने सबूत मांगा साइन का और तूने साइन करके सबूत दे दिया। किसी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हम भूखे नंगे नहीं है। आपको किसने कहा है? किसी ने भी कहा, साइन तो तूने किया था ना। मैं आपको बताने ही तो आई थी, मैंने झुक के साइन नहीं किए, मैंने उल्टा सर उठा के बोला उन्हें कि हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मम्मा, ऋतिक के पास में जो भी कुछ हुआ है ना उसकी मॉम के साथ, उससे वो लोग बहुत अफेक्टेड है। उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली वाले जल्दी से नहीं भरोसा कर पाते, सिर्फ इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और भरोसा दिलाने का ठेका तूने ले रखा है। तुझे पता है ये एग्रीमेंट साइन करके उन्होंने तेरी माँ के मुंह पर तमाचा खींच के मारा है? तुझे इतनी लोड मची है ना शादी करने की, तो कहते उस ऋतिक से कि तेरी इज्जत को ध्यान में रखते हुए शादी करे और ये प्री नपचुअल एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दे, उसके बाद तुझसे शादी करे, समझे तू?